भारत देश के कई राज्यों में देवी देवताओं की पूजा की जाती है, जिनमें से गणेश चतुर्थी, नवदुर्गा पूजा आदि को धूमधाम से मनाया जाता है। हम खुशी खुशी गणेश चतुर्थी में गणेश जी की मूर्ति को घर में लाते हैं और फिर हफ्ते दो हफ्ते बाद हम उन्हें विसर्जित कर देते हैं। आज के इस वीडियो में हम मूर्ति विसर्जित करने के बाद प्रकृति पर होने वाले बुरे प्रभाव को जानने की कोशिश करेंगे। बस आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के महाराष्ट्र राज्य में 8 या 10 दिन तक चलने वाले इस त्योहार में अनेक जगहों पर पंडाल लगाए जाते हैं और उस पंडाल में गणेश जी की मूर्ति 10 से 30 मीटर तक की ऊंची प्रतिमाएं रखी जाती है और मूर्ति को आभूषणों और वस्त्रों से सजाया जाता है। 8 या 10 दिन बाद मूर्ति को सागर या नदी में विसर्जित किया जाता है, परंतु विसर्जित करने के कुछ दिन बाद उन पर लगे वस्त्र, आभूषण और केमिकल पेंट पानी में मिल जाते हैं। कई मूर्तियां पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी होती है, जिसकी वजह से वह पानी में नहीं घुलती और वातावरण को दूषित करती है, और कई मूर्तियां सागर अथवा नदियों के किनारे गिरी हुई दिखाई देती है। दोस्तों, जब हम मूर्ति घर में लाते हैं तब हम साफ सुथरे ढंग से मूर्ति की पूजा करते हैं और विसर्जन के बाद वही मूर्ति हमें टूटी हुई नदियों के किनारे दिखाई देती है। दोस्तों, हमें हमारी सोच को बदलना होगा और इको फ्रेंडली मूर्ति का उपयोग करना होगा। लेकिन जब हम इको फ्रेंडली मूर्ति का उपयोग करते हैं, हालांकि इको फ्रेंडली मूर्ति मिट्टी की बनी होती है और वह पानी में तो घुल जाती है, परंतु उस मूर्ति में लगे नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल पेंट पानी में फैल जाते हैं और पानी के ऑक्सीजन डिमांड को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से जल में रहने वाले कई जीवों को हानि होती है और कई जीव मर जाते हैं। आपने सुना होगा, महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में मूर्तियों की विसर्जन के कारण लाखों की तादाद में जुहू के किनारे मरी हुई मछलियां पाई गई थी। दोस्तों, मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा कि हमें नेचुरल या फिर बायोडिग्रेडेबल रंगों से बनी मूर्तियां ही खरीदनी चाहिए और उसे विसर्जित करना चाहिए, और हमें नेचर को किसी भी तरह गंदा नहीं करना चाहिए। वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।